वेलकम यूट्यूब फैमिली। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर के अंदर, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। मैं आपको पहले ही एक बार बता चुका हूं कि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के ऊपर, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस की ये वाली वीडियो जरूर देख लें। आई बटन पर लिंक शेयर कर दूं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है छोटी लाइन किसे कहते हैं, बड़ी लाइन किसे कहते हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और मुट्ठी में आप तभी कर पाओगे जब आपको ये वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वाले कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना, तभी आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सीख पाओगे। अदरवाइज आज की लाइव क्लास आपके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इस कंसेप्ट की व्याप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज हाइट एंड डिस्टेंस क्लास के अंदर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस जो होते हैं काइट फ्लाई के बेस पर, और जो क्वेश्चंस होते हैं टू पिलर्स टू पोस्ट, जहां बनती है हमारी फिगर, कुछ इस टाइप की फिगर बनती है हमारी, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होता है। इस टाइप की फिगर्स के क्वेश्चन करेंगे हम, जो एक पोल से दूसरे पोल तक यहाँ पे हाइट दे रखी होती है, यहाँ से यहाँ पे हाइट दे रखी होती है। हमें बोला जाता है ये बिल्डिंग की हाइट निकालो, ये पोस्ट की हाइट निकालो। इतने बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले आज हम, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, प्लस साथ साथ ये वाला कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे छोटी लाइन बड़ी वाले कंसेप्ट से। अगर आपको नहीं पता कि वो कंसेप्ट क्या है छोटी लाइन बड़ी लाइन वाला, तो आप ये समझ लेना आपकी कंसेप्ट वीक है, तो आपकी आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैं आई बटन पर लिंक शेयर कर दूंगा, पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। बहुत छोटी सी वीडियो है, 10-12 मिनट मैंने एक कंसेप्ट के ऊपर बात करी हुई है। पाओगे सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन वाले के व्याप पे। पहले हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन काइट फ्लाई के बेस पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। पहले ही मैं 4-5 क्लासेस ले चुका हूं इस कंसेप्ट के व्याप पे। ये हमारी 6th क्लास होगी लाइव जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको हाइट एंड डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन देखो, वन फ्लाइज अ काइट, एक बंदा है विद अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर लॉन्ग, जिसका एक काइट है यहां पे, एक बंदा है यहां पे, 150 मीटर लॉन्ग थ्रेड है, 150 मीटर लॉन्ग थ्रेड है। इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता चुका हूं, 60 डिग्री 30 डिग्री वाले कांसेप्ट के भी आप एक क्वेश्चन मैं आपको बताई थी। ये जो हाइपोटेन्यूज है डबल होती है छोटी लाइन के। छोटी लाइन कौन सी होती है जो 60 डिग्री के साथ में होती है, लाइन छोटी लाइन होती है। तो जब ये 150 है तो ये हो जाएगी 75, तभी तो उसका डबल होगा ना। ये 60 डिग्री के साथ वाली लाइन छोटी लाइन, 30 डिग्री के साथ वाली लाइन बड़ी लाइन, तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी लाइन, ठीक है ना। देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से लेकर यहां तक की हाइट निकालनी है। अज्यूम द थ्रेड टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, जो थ्रेड है स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, तभी हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोर ट्रिग्नोमेट्री। ये यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर थी √3 है, ये भी ऑप्शन नंबर 2 √3 है। अगर छोटी लाइन 75 मीटर है, 30 डिग्री के साथ वाली लाइन निकालनी है बड़ी लाइन, हम क्या करते हैं छोटी लाइन के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं √3, हमारा बड़ी लाइन आ जाती है। हम ना कोई कोर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जितनी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको टी रेशियो का यूज नहीं करा रहा। आपको नहीं पता होगा किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं एक भी क्वेश्चन टी रेशियो से नहीं करा रहा। आपको तो पता ही है, सॉरी आपको कैसे नहीं पता होगा, आपको पता है एक भी क्वेश्चन के अंदर मैंने टी रेशियो का यूज नहीं कराया। सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हों या फिर आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो, आपको स्कूल लेवल में तो करके दिखाने पड़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया जो आपको मैं टी रेशियो से कराया हूं। मैं सारे के सारे कंसेप्ट, जितने भी क्लास ली अब तक, सारी क्वेश्चन के अंदर, सारे के सारे क्लासेस के अंदर मैं आपको सिखाया है एक बड़ी लाइन छोटी लाइन वाला कंसेप्ट। सीख लोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 75 √3, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की हाइट दे रखी है 50 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 100 मीटर, ये है लेंथ 100 मीटर, लेंथ है स्ट्रिंग की 100 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है देन द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज इन डिग्री मेजर इज, मतलब कि यहां से हमारे को
थीटा पूछा गया है, मगर आपको एक बात पता है, ये 50 है, ये 100 है। मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, जो हाइपोटेन्यूज होती है 60 डिग्री, मतलब कि जो 60 डिग्री साथ जो छोटी लाइन होती है उसका डबल होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये फॉर ऑब्वियस 30 डिग्री हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। ये 60 डिग्री के साथ वाली लाइन छोटी लाइन होती है, और छोटी लाइन का ही डबल होता है हाइपोटेनियस। अगर हम बात करें 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले केस की, 60 डिग्री ये वाला हो गया, वो किसके साथ में है, एक छोटी लाइन, तभी उसका डबल होगा। ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो एक फॉर ऑब्वियस 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो मेजर बन रहा है, यहाँ पे नहीं पूछा एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं पूछा उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन डिग्री मेजर इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहुत आसानी से लगा पा रहे हैं हम। एक भी क्वेश्चन के अंदर टी रेशियो का यूज नहीं करा रहा मैं आपको, टी रेशियो से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 75 मीटर ऊपर उड़ रही है एक काइट ग्राउंड से। ठीक है, एक सेकेंड पेज को कर लें अंदर। ठीक है, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल क्यू, एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे है, एक एंगल बना रही है, क्यू एंगल, थीटा बोल लो, वेयर कॉट थीटा, ये कॉट थीटा दे रखा है हमें, कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15। कॉट थीटा का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाय बी होता है टेन थीटा, बी बाय पी होता है कॉट थीटा 15, परपेंडिकुलर, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाएगा बेस, ये है 8, ये है 15। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछिए क्वेश्चन के अंदर, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन अ स्ट्रिंग, द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मतलब कि हमारे से ये पूछी है, कोई टूटा हुआ नहीं है हमारे धागा, तो पूरी पूरी हाइट पूछी है स्ट्रिंग की, मतलब कि हाइपोटेन्यूज निकालनी है हमें। ऑलरेडी ये 75 मीटर दे रखा है, 15 को 75 करने के लिए मल्टीप्लाई करा हमने 5 से, तो 8 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी 40। बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी हम नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन से, बाय द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है AB² + BB² = AC², तो मतलब कि 75 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, आपको पता है 75 का स्क्वायर 25 7 8 56 प्लस 40 का स्क्वायर निकालेंगे 1600 आएगा, तो मतलब पूरा आ जाएगा 7225, दोनों करेंगे 7225 आ जाएगा। ये किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 85 का। आपको एक बात तो ये पता लगी गई होगी, मैं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर कर देता अगर मुझे एक दिमाग लगा लेता, अगर मैं आपकी जगह होता तो। अब मैं सिखाता हूँ दिमाग क्या लगाना था आपने। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये हमें बात पता है। जब एक साइड दे रखी है 75 मीटर, तो ये जो हाइपोटेनस होगी उससे तो बड़ी ही होगी, 75 से बड़ी ही होगी हमारी हाइपोटेनस। 75 हो ही नहीं सकती, 40 भी हो ही नहीं सकती, 65 भी हो नहीं सकती। वी हैव ओनली ओन ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 85, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर सकता है हमारा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने निकाला बाय द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज की, जो हमने प्रॉपर्टी लगाई राइट एंगल ट्रायंगल की, जो हमने प्रॉपर्टी लगाई, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर 85 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग इन अ स्काई, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, बिटवीन अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड पे जो पॉइंट है, एंड काइट इज, काइट से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना मीटर है, 420 मीटर। राउंड से लेकर काइट तक का डिस्टेंस कितना है, 420 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्विंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, माय डियर स्टूडेंट्स ये 30 डिग्री दे रखा है। अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन अ स्ट्रिंग, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, यहां से यहां तक की हाइट पूछी है। मैंने आपको एक बार बताई है, अभी ये 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन होती है छोटी लाइन, और हाइपोटेन्यूज होती है 2 छोटी लाइन, तो 2 मल्टीप्लाई छोटी लाइन, या फिर इसमें से 2 से डिवाइड कर दो उसको, तो 10 आ जाएगा, ये 210 छोटी लाइन होगी, तभी तो उसका डबल हो जाएगा 420। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे से ये पूछा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो की हो गया 210। छोटी लाइन बड़ी लाइन वाला कांसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स इतना पक्का कर लेना, ताकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाले कांसेप्ट देखने के लिए जरूर मेरे, आपके कांसेप्ट अगर ये 100% क्लियर होंगे, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन में 20
से ऊपर नहीं जाओगे, आपको मैं गारंटी देता हूं। जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने 20 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन के अंदर अब तक नहीं लगाया है। आई होप आपके सारे के सारे कंसेप्ट इसके भ्याप पे क्लियर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड जहां पे हमें मोर देन वन एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ देना, ये वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि इसके अंदर एंगल 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री वाला एंगल का क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कल क्लास होगी आपकी 10:30 AM जो कल क्लास होगी उसमें आपको करा दूंगा मैं क्वेश्चंस। मगर उससे पहले आज इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम। हमारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया बेस पे, चार पांच ही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है कि मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। जब मैंने आपको कराया था ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्रोकन ट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन काइट फ्लाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक क्वेश्चन, ये तीनों टाइप सेम ही हैं। जितने भी क्वेश्चन करें हमें इस टाइप के बेस पर आगे बढ़ते हैं। From a point P on a ground, the angle of elevation of a top of 10 meter tall building is 30 degree. 10 meter tall building is 30 degree. The angle, the flag is hosted at a top of a building. मतलब कि एक हमें दे रखा है, एक बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, एक पॉइंट है जो पॉइंट बोल रखा है फ्रॉम अ पॉइंट पी। हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, हमारी फिगर बन जाती है ना तो क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारी फिगर ही गलत बन गई तो क्वेश्चन आप गारंटेड हर हालत में गलत करोगे। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टाइम, देख एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है इस 30 डिग्री बन रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप पे यहां पे लगा हुआ है फ्लैग, कोई नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ फ्लैगरशिप, एंगल ऑफ एलिवेशन रखा है यहां से यहां तक का, फ्लैगरशिप से नीचे तक का, पॉइंट पी, पी से कितना डिग्री है वो 45 डिग्री है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ये। ये आ गया 30 डिग्री, ये दे रखा है 10 मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात अच्छे से पता है कि ये 60 डिग्री के साथ वाली लाइन हो गई, छोटी लाइन 10 मीटर, बड़ी लाइन कितनी हो गई 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। और अगर मैं ये वाली लेंथ की बात करूं, ये वाली लेंथ की बात करूं, चाहे हमारा ट्रायंगल छोटा वाला हो चाहे हमारा ट्रायंगल बड़ा वाला हो, ये लेंथ तो दोनों के दोनों ट्रायंगल के अंदर सेम है, तो ये 10√3 मीटर है तो ये भी 10√3 मीटर होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर ट्रायंगल, ये 45 डिग्री का केस है, 45 डिग्री का केस है, ये है 10√3 तो ये भी हो जाएगा 10√3 मीटर। जब ये पूरी की पूरी लाइन आ गई 10√3 मीटर, ये दे रखा है 10 मीटर, 10√3 10 मीटर घटा देंगे इस पूरी लाइन में से, यहां से यहां तक की लेंथ घटा देंगे तो ये निकल जाएगा सिर्फ यहां से यहां तक का, तो फ्लैगरशिप हमारी हाइट निकल जाएगी। 10 कॉमन ले लेना, बचेगा क्या √3 - 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, टेक √3 1.732, ये कि हम ये हमें गिवन था 10 1.732 - 1, मतलब कि 10 × 0.732, 0.32 के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7.32। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 100% करेक्ट है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 7.32 आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट यहां से हटके यहां आ जाएगा, 7.32 हमारा क्वेश्चन है। अब ये 10 हटा देंगे यहां से, ये हम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इस तरीके से। हमने दो, मैंने आपको ये बताई, देखो मैं एक और पेन ले लेता हूं आपको क्लियर हो जाए। चाहे हमारा ट्रायंगल हो छोटा वाला चाहे हमारा ट्रायंगल हो बड़ा वाला, मगर हमारी जो ये लेंथ है तो दोनों बार सेम है, ये 30 डिग्री है, हमें 10 दे रखा है तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो 10√3 मीटर जो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ही मैंने इसको ली 10√3 मीटर, 10√3 इसको ले ली तो ये भी 10√3 है क्योंकि बिकॉज ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये 10√3, पूरी पूरी हाइट 10√3 है, माइनस उसमें से 10 माइनस कर दोगे तो हमारी फ्लैग की हाइट निकल जाएगी। फ्लैग की हाइट हमने इस तरीके से निकाल ली विदाउट हैविंग अप्लाई, इसमें हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करा, कौन से फॉर्मूले, टी रेशोस फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं करा, नहीं सीखा हमने टी रेशो फॉर्मूला अप्लाई करना। इस टाइप से आप सारे सारे क्वेश्चन कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन वाले तभी कर पाओगे।
The angle of elevation of a top of vertical tower situated perpendicularly on a plane is observed as 60 degree from a point P on a same plane. From another point Q 10 meter vertically from point above the point P. एक point P है, एक यहाँ पे point Q है, एक यहाँ point Q है, इसको एक बार रब कर देते हैं. ये यहाँ पे point Q है, 10 meter इसकी height दे रखी है हमें question के अंदर, 10 meter height दे रखी है. अब हमें question कैसे निकालना है देखो. The angle of elevation of a top of vertical tower situated perpendicularly, ये है हमारा, दो है हमारे angle of elevation top of, एक ये हमारा टावर दे रखा है, एक सेकंड. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलरली दे दिया, ऑन अ प्लेन इज ऑब्जर्वड 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट पी. 60 डिग्री यहां से यहां तक का है, पॉइंट पी तक 60 डिग्री. माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं. 60 डिग्री आ गया फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ सेम प्लेन फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू 10 मीटर वर्टिकली अबव अ पॉइंट क्यू पॉइंट पी, ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फुट ऑफ टावर इज 50 डिग्री. इसका यहां से टावर के फुट तक कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री. आपको फिगर बनानी बहुत अच्छी आती होगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे. इसके फुट पे 30 डिग्री आ रहा है, जब ये 10 है ये 30 है. देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. 90 डिग्री है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन ट्रायंगल. ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये दे रखा है 10. छोटी लाइन 10 है, बड़ी लाइन 10 अंडर रूट 3 मीटर. जब ये 10 अंडर रूट 3 मीटर है, 10 अंडर रूट 3 मीटर है, अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की. देखो चाहे ट्रायंगल हमारा ये हो, चाहे ट्रायंगल हमारा ये हो, ये वाली लाइन तो कॉमन है ना, ठीक है. हमने बाय द हेल्प ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल ये निकाल लिया 10 अंडर रूट 3 है. तो जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, जब ये आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर, छोटे ट्रायंगल के हिसाब से निकाल लिया हमने, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री. छोटी लाइन 10 अंडर रूट 3 मीटर, बड़ी लाइन 10 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अंडर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, 3 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 3, इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया. यही हमारे से पूछा गया था. एंड द हाइट ऑफ द टावर इज, ये टावर की हाइट पूछी गई थी जो 30 मीटर. 100% एक्यूरेसी के साथ आप निकाल सकते हो जब आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो. छोटी लाइन बड़ी लाइन बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपके एक एक कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना कि छोटी लाइन किसे कहते हैं, बड़ी लाइन किसे कहते हैं, तो आप कभी भी चैप्टर के अंदर टी रेशियोज के अलावा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. यही सिर्फ एक ब्रह्मांड तरीका है जो आपके क्वेश्चन को आसान बना सकता है, छोटी लाइन बड़ी लाइन वाला तरीका. अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो सकते हैं अगर आप इसको टी रेशियो से करोगे तो. पहले कंपेयर करोगे, फिर इधर से कंपेयर करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा कॉन थी कॉस थीटा टेन थीटा. नहीं लगाना, बाय द हेल्प ऑफ छोटी लाइन बड़ी लाइन हम ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजीली, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया, क्वेश्चन का आंसर अभी हमारा निकला था 30 निकला था शायद से. क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया था, द हाइट ऑफ अ टावर इज 30 था. हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 30 था जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है. द वर्टिकल पोल इज वर्टिकली वर्टिकल पॉइंट वर्टिकली टावर. अब देखो पहले एक बात देखना, वर्टिकल पोल दे रखा है, वर्टिकल टावर दे रखा है. क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऑप्शन देख के कि टावर बड़ा होगा या फिर पोल बड़ा होगा, तभी आप ये क्वेश्चन की फिगर बहुत आसानी से बना पाओगे. वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम प्लेन लेवल ग्राउंड. ये है पोल, एक छोटा होगा 100%, एक बड़ा होगा. देखो द हाइट ऑफ ए पोल इज 10 मीटर. छोटा आप 10 मीटर ले लेना क्योंकि हमारे से पूछा गया ऑप्शन के अंदर द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट 10 से बड़ी है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो ये टावर लेना. अब आप क्वेश्चन की फिगर बना सकते हो बहुत आसानी से. ये रामबाण तरीके हैं मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के. फ्रॉम द टॉप पोल, ये एक क्या है, एक पोल है. फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, ये एक पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां पे कितने डिग्री का. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट पे एक बन रहा है, एक टॉप पे बन रहा है, तो ये बन रहा है 60 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से है तो ये अल्टरनेटिवली इंटीरियर एंगल हो जाएंगे जब यहां पे परपेंडिकुलर, जब यहां पे दोनों दोनों ये परपेंडिकुलर
पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेटिवली इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरी की पूरी हाइट बोला है टावर की 10 मीटर ये दे रखा है, ये 30 डिग्री तो ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री साफ है लाइन, छोटी लाइन दस अंदर 10 मीटर, बड़ी लाइन ये वाली लाइन कितनी आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर। जब ये 10 अंडर रूट 3 मीटर है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी 10 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब 60 डिग्री के साथ वाली लाइन 10 अंडर रूट 3 मीटर है तो बड़ी लाइन कितनी हो जाएगी, छोटी लाइन 10 अंडर रूट 3 मीटर, बड़ी लाइन 10 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो मतलब कि 10 मल्टीप्लाई 3 इस क्वेश्चन का आंसर, यहां से यहां तक की हाइट निकल गई 30 और यहां से यहां तक की हाइट तो 10 है तो यहां से हाइट यहां तक की हाइट 10 हो जाएगी, 30 प्लस 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, पूरी की पूरी हाइट 40 निकल गई। 100% एक्यूरेसी के साथ आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर होंगे प्लस साथ साथ हमें यहाँ पे फिगर बनानी भी आनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर मेन होता है फिगर बनाना, अगर आप फिगर बनानी बहुत आसानी से सीख जाओगे तो क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर सकते हो। दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और हाइट कैसे निकालेंगे। देखो तो वर्टिकली पोल एंड अ वर्टिकली टावर, वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम प्लेन ग्राउंड, सेम प्लेन ग्राउंड, एक वर्टिकली पोल दे रखा है, एक वर्टिकल टावर दे रखा है, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, 10 मीटर इसको लोगे या फिर इसको लोगे, आप ऑप्शन को देख के समझ पाओगे, छोटा है 10 मीटर क्योंकि ऑप्शन चारों के चारों 10 से बड़े हैं, तो छोटा है 10 मीटर हाइट ऑफ द टावर, ये टावर मान लेना, ये आप मान लेना पोल, बात ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल, पोल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर तक जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है ये कितने का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ अ टावर, फुट टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, तो कितना दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा बता दिया, मैंने आपको होना यहाँ चाहिए मगर मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली इंटीरियर एंगल है, ये है परपेंडिकुलर लाइन, तो ठीक है ना, ये आ गया 60 डिग्री, ये 10 है तो ये 10 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा, ये 10 है तो ये नॉर्मल लाइन भी पैरेलल लाइन है, इक्वल लाइन है तो ये भी 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 अंडर रूट 3 है तो ये भी 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा, अपोजिट लाइन्स आर इक्वल, इसकी रेक्टेंगल की अपोजिट लाइन और है साथ में तो ये इक्वल हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन छोटी लाइन 10 अंडर रूट 3, बड़ी लाइन कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, तभी यहां पे 10 प्लस 30 क्वेश्चन का आंसर 40 आ गया। 100% एक्यूरेसी के साथ हमने क्वेश्चन सही कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर जिस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करा रहे हो ना हमें बहुत मजा आ रहा है, विदाउट एनी टी रेशियो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं घर पे बैठे बैठे ही। ऑन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड पे देयर इज अ वर्टिकल टावर विद द फ्लैग पोल ऑफ इट्स टॉप, एक यहां पे There is a vertical tower with a flag post on its top. देखो vertical tower है उसके यहाँ पे है flag post बोलो या फिर flag बोलो. At a point 9 meter away, एक 9 meter दूर है जो from the foot of the tower, tower के foot से from the foot of a tower, the angle of elevation top and bottom of flag, ठीक है, टावर के फुट से यहां से यहां तक का मैं डिस्टेंस दे रखा है कितना है, एक एंगल है 60 डिग्री, तो मतलब जिसका मुंह छोटा खुला हुआ है वो होगा 30 डिग्री, जिसका मुंह बड़ा खुला हुआ है वो होगा 60 डिग्री, दोनों के लिए ये वाली लेंथ सेम है, ये वाली लेंथ दोनों के लिए सेम है। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा था हाइट ऑफ ए फ्लैग पोस्ट, यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री है, छोटी बड़ी लाइन 9 मीटर, छोटी लाइन 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है, और मैं अगर बड़े ट्रायंगल की बात करूं हाइट दोनों में सेम है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन दोनों की सेम है, अगर मैं 60 डिग्री यहां की बात करूं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो ये अगर 9 है तो ये पूरी की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 9 अंडर रूट 3, क्योंकि आपको एक बात पता है छोटी लाइन 9 मीटर बड़ी लाइन 9 अंडर रूट 3 मीटर, तो ये पूरी की पूरी लाइन आ गई 9 अंडर रूट 3, तो इसमें से 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस कर देंगे तो हमारी फ्लैग की हाइट निकल जाएगी। फिगर बनानी आती होगी तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सीख जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, अब 9 अंडर रूट 3 माइनस 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, आप अंडर रूट 3 लेना एलसीएम, यहां बच जाएगा 27 माइनस 9 मतलब कि 18 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 एक्सनलाइज कर देना डिवाइड
बचेगा 3, 18 को काटोगे 3 से बचेगा 6 अंडर रूट 3 इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आप सारे के सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे, एक एक करके हम सारे के सारे कांसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ऑन अ ग्राउंड देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन इट्स टॉप एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे है, तो हमने ये 9 मीटर ले लिया। आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, जैसे जैसे आपको पढ़ना क्वेश्चन समझोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होते चले जाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो आगे बढ़ते हैं, अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल। हां क्वेश्चन कितना आसान है, लैडर बोल लो आप कुछ भी बोल लो, एक लैडर है जो सीढ़ी है यहां से यहां तक लगी हुई है, सीढ़ी को ऐसे थोड़ी लगाएंगे, सीढ़ी को ऐसे लगाएंगे। 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस, 10 मीटर की लॉन्ग लैडर है जो प्लेस है वॉल के साथ अगेंस्ट वॉल एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का। माय डियर स्टूडेंट 60 डिग्री की लाइन ये वाली हो गई, छोटी लाइन का डबल होता है ये, 10 दे रखा ये तो 5 हो गया, ये हमारे से पूछा गया है 5/3 हो गया पूछा गया है। देखो ये द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ अ लैडर, लैडर के फुट से फ्रॉम अ वॉल, वॉल तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5/3, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अब बता चुका हूं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 70, हमने इस क्वेश्चन के बिहार पे 70 क्वेश्चन कर लिए हाइट एंड डिस्टेंस के ही। फ्रॉम अ पॉइंट From a top of 10-20 meter high building, आपने देखना है एक building है, एक tower है, option में दिखाई दे रहा है, हमारे से पूछे गए tower की height, तो मतलब building से बड़ी है, तो मतलब आपको पता है ये बनाओगे building या फिर ये बनाओगे building, building my students ये बनाओगे building, क्योंकि building है छोटी जो कि है 20 meter की, ये है बड़ा जो कि है tower, है बड़ा की option देख सकते हो, option 20 से बड़े हैं, छोटी है बिल्डिंग बड़ा है टावर। आगे बढ़ते हैं हम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ऑफ अ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इट 45 डिग्री एंड द हाइट ऑफ ऑफ अ टावर इज, ये पूरी पूरी टावर की हाइट बोली गई है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो दोबारा पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 From a top of 20 meter high building, building की top से बात करी गई है। The angle of elevation of a top of a tower, angle of elevation top of a tower कितना है? Is 60 degree, यहाँ से यहाँ तक के distance 60 degree है। And angle of depression from its foot, of its foot, उसकी foot पे उसका depression, angle of depression कितना दे रखा है? 45 degree, मैं यहाँ लिख क्या लिख रहा हूँ? जब ये 45 degree है, तो my स्टूडेंट्स ये भी 45 डिग्री हो गया, तो ये लाइन जब 20 है तो ये लाइन भी 20 हो जाएगी, अब ये 20 है तो ये भी लाइन 20 हो जाएगी, जब ये 20 है तो ये भी लाइन 20 हो जाएगी, अब ये 20 है, छोटी लाइन 20 है, बड़ी लाइन 20 अंडर रूट 3, क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज द देन द हाइट ऑफ अ टावर, ये पूरी हाइट की यहां से यहां तक की 20 अंडर रूट 3 है, यहां से यहां तक की 20 है, तो मतलब की 20 अंडर रूट 3 प्लस 20 करोगे तो आंसर आएगा 20 कॉमन ले लेना अंडर रूट 3 प्लस 1, तो मतलब कि 20 मल्टीप्लाई 1.73 प्लस 1 2.73 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 54.64 इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि 100% एक्यूरेट है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आप मेरे कांसेप्ट से क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन देख लो कितने आसानी से होते चले जा रहे हैं। ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, एक भी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टी रेशियोज नहीं लगवा रहा, सिर्फ एक कांसेप्ट छोटी लाइन बड़ी लाइन और इतने बेसिक तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ पा रहा है। ये 20 है तो ये 20 हो गई, ये 45 डिग्री एंगल है तो ये 20 है तो ये 20 हो गया, अपोजिट साइड ये 20 है तो ये 20 हो गया, छोटी लाइन 60 डिग्री के साथ वाली लाइन, छोटी लाइन 20 है तो बड़ी लाइन 20 अंडर रूट 3 हो गई, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के साथ बड़ी लाइन हो गई 20 अंडर रूट 3 मीटर हो गया। पूरी हाइट निकालने 20 अंडर रूट 3 प्लस 20 कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 54.64। आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है।
TF is a tower with F is a ground. F with F on a ground. एक TF एक tower है. ये tower है. F is a ground. F ground पे है. T एक point है जो कि हवा में है. ठीक है. The angle of elevation of T from point A, एक point से angle of elevation बन रहा है is X degree. ओ हो. एक X degree बन रहा है. Such that 10x दे रखा है हमें ये. 10x मतलब कि 2/5. ये पूरा का पूरा एंगल दे रखा है 2. ये पूरा का पूरा एंगल दे रखा है 5. एंगल नहीं लेंथ दे रखी है 2/5 मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है. ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बिकॉज ये एक्स हमें दे रखा है थीटा. यहाँ पे थीटा सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ए एफ इज इक्वल टू 200 मीटर. पूरा यहाँ पे दे रखा है 200 मीटर और ये 5 दे रखा है. 5 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर है. आगे बढ़ते हैं. The angle of elevation of T from a nearer point B is nearer point B. यहाँ से एक point है B जो nearer है from a point B is y degree. ये बोल रहा है यहाँ पे ये y degree है. कोई बात नहीं जी, आप ये question बहुत आसानी से कर लोगे. With BF, BF कितना है 80 मीटर. ये 80 मीटर है तो BA कितना हो जाएगा 120 मीटर, क्योंकि टोटल हाइट 200 मीटर है, ये 80 मीटर है. तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ y डिग्री इज. अब मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, 2/5 दे रखा है. 5 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40. तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80. जब ये वाली लाइन 80 है, ये वाली लाइन भी 80 है, तो ये पता लग रहा है आपको ये आइसोसेलस ट्रायंगल है. आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब हो गया ये 80, ये 80, तो एंगल y इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा. इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, y पूछा गया 45 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को. हम 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. इतने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एंगल y इज इक्वल टू 45 डिग्री निकल गया. हमने टी रेशो नहीं लगाया, सिर्फ छोटी छोटी बातें ध्यान रखी, बेसिक बेसिक बातें पकड़ के रखी, बड़ी बातें हमने छोड़ दी, तभी ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो माई डियर स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं. अब हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस लाइव क्लास के अंदर देखो. The angle of elevation of a top and bottom of a flag kept on a flag post from 30 meter distance. ये देखो 30 meter का distance दे रखा है हमें यहाँ पे. The angle of elevation top and bottom पे, एक यहाँ पे top पे और इसके bottom पे, flag के top पे और bottom पे एक angle दे रखा है. छोटा मुंह खुलेगा 30 degree का angle, बड़ा मुंह खुलेगा 45 degree का angle. कोई दिक्कत में तो अब बाप बन चुके हैं फिगर बनाने के अंदर, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं. देन द हाइट ऑफ अ फ्लैग इज, हमें हाइट बोला गया, ये 30 मीटर दे रखी है. बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है. ये 45 तो ये भी 45, तो ये 30 तो ये 30. मगर छोटे वाले एंगल के हिसाब से देखेंगे, बड़ी लाइन 30 मीटर, छोटी लाइन 30 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 मीटर, क्योंकि 30 डिग्री या 60 डिग्री, बड़ी लाइन 30 डिग्री के साथ वाली, छोटी लाइन 60 डिग्री के साथ वाली, बड़ी लाइन 30 मीटर, छोटी लाइन 30 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 मीटर. पूरी लाइन दे रखी है 30 माइनस 30 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 कर देंगे तो हमारी यहां से यहां तक की वैल्यू निकल जाएगी. अब कैसे निकालेंगे, हम यहां पे एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट 3, यहां बचेगा 30 माइनस 30. अब इसके अंदर मैं कॉमन ले रहा हूं 30 अंडर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में दे रखा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, तो ये तो हो गया 10. 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 की वैल्यू लगानी है 1.732, और 1.732 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.732. इस क्वेश्चन का आंसर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा मिला के दे सकते हो. मेरे ख्याल से 12.68 आना चाहिए. आप देख लेना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है. मल्टीप्लाई करना सिर्फ 10 को. आप देखो, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, आप 10 को मल्टीप्लाई करके ना यहाँ पे एक पॉइंट खींच सकते हो. आपने यहाँ पे ये कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. इस पॉइंट को इधर शफल कर दो या फिर इस पॉइंट को इधर शफल कर दो, आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हो. आपने बेसिकली करना क्या है, 10 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई 0.732,
इसको आप पॉइंट आके यहाँ पे कर देना, 17 मल्टीप्लाई 0.732 का आंसर 12.68 आएगा शायद से, आप देख लेना करके। यही बेसिक क्वेश्चन था, यही बेसिक कंसेप्ट था क्वेश्चन करने का, रामबाण तरीक थी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन लगाओगे, जो भी कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, सारे लेंदी ही होंगे। ये सबसे बढ़िया कंसेप्ट है किसी भी क्वेश्चन को करने का, कि एक छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो, एक बड़े वाले ट्रायंगल के ले लो, आपको ये पता है कि ये वाली लेंथ तो माय डियर स्टूडेंट सेम ही है ना, तो आगे आप क्वेश्चंस कर सकते हो बहुत आसानी से। टू शिप्स आर सेलिंग इन अ सी, ठीक है, इन अ सी, इन द सी ऑन अ टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। एक ये लाइट हाउस है, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टू ऑफ अ लाइट हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम टू शिप्स आर, एक को ले लेना 30 डिग्री, एक को ले लेना 30 डिग्री, एक को ले लेना 45 डिग्री। क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। लाइट हाउस, इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये 100 मीटर है, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री के हिसाब से ये लेंथ आ गई 100 मीटर की, 45 डिग्री आइसोसेलस ट्रायंगल बन रहा है, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और वो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से छोटी लाइन 100 मीटर, बड़ी लाइन 100√3 मीटर, दोनों प्लस कर दे। पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, इस शिप के बीच में, शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100√3 + 100, तो मतलब कि 100 कॉमन ले लेना, बचेगा क्या, √3 + 1, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 + 1 हो जाएगा 2.73, 2.73 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा 273 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। हमें क्वेश्चन के अंदर छोटी लाइन, बड़ी लाइन, आइसोसेलस ट्रायंगल, इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे हम इस क्लास के अंदर, इस पूरी की पूरी लाइव सीरीज के अंदर 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक भी क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी आज आपको नहीं बताया कि टी रेशियो से कैसे क्वेश्चन करते हैं। टी रेशियो से क्वेश्चन करोगे माय डियर स्टूडेंट्स मुश्किल ही होंगे, आसान किसी कीमत पे नहीं हो सकते, इतनी मर्जी आप कोशिश कर लो, ये तरीके बेस्ट तरीके हैं। अगर आपको इससे बेस्ट कोई मेथड मुझे मिलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इससे बेस्ट मेथड हमें नहीं मिला, अगर मिल गया तो तब भी बता देना, ठीक है। जैसे आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं है 5 साल के अंदर मुझे कोई स्टूडेंट मिला हो कि मेरे को सर पता लग गया इससे बढ़िया कोई कंसेप्ट है, नहीं है जी, नहीं है, बार बार एक ही बात बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप और पिलर फ्रॉम द फुट ऑफ फुंड एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई, एंड 20 मीटर हाई बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, द हाइट ऑफ अ पिलर इज, एक पिलर है और एक बिल्डिंग है जी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पिलर, पिलर के टॉप से फ्रॉम द फुट एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड फुट पे एक एंगल बन रहा है, कितना मीटर है, ये 20 है, ये माय डियर स्टूडेंट ये 20 है, कितना डिग्री है, टॉप से बन रहा है उसको है 60 डिग्री, जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री, यहां से बन रहा है वो है 30 डिग्री, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक यहां से बन रहा है, एक टॉप से बन रहा है, बॉटम से बन रहा है 30 डिग्री। तो यहां पे हमें हाइट दे रखी है बिल्डिंग की 20 मीटर, देन द हाइट ऑफ द पिलर, पिलर की हाइट पूछी है, बिल्डिंग छोटी है पिलर बड़ा है, ये बात आपको समझ आ रही होगी, 100% कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आई होप आपके सारे सारे 100% कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये 20 है, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन 20 है, तो ये भी हो गई 20, ये भी हो गई 20, ये भी हो गई 20, ये हो गया 20, तो बड़ी 20√3 है, तो ये भी हो गई 20√3। छोटी लाइन निकालने के लिए 20√3 कैसे करोगे, 20√3 × √3, मतलब कि √3 × 3 × 20 आ गया 60 + 80, नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार, हम इस क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पिलर, एक पिलर है, ये ऐसे कर लेते हैं, कुछ फिगर मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से बना रहा हूँ, एक पिलर है फ्रॉम अ फुट एंड अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, फुट एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग,
20 मीटर हाई आर 60 डिग्री इन द हाइट ऑफ अ पिलर। इस क्वेश्चन को भी यहीं छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। जब एक बार पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं समझ आया, दोबारा इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमें अभी दिमाग चलना एक सेकंड के लिए बंद हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आओ पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर, अनफिनिश्ड पिलर कहां पे होगा? वो तो आपको पता है, बिल्डिंग के ऊपर होगा या फिर कहीं भी बिना हो ऊपर होगा। अनफिनिश्ड पिलर एट अ पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 80 डिग्री। ओहो, एक पॉइंट है जो कि 150 मीटर अवे, मतलब कि 150 मीटर फ्रॉम बोला है, तो इसके 150 मीटर का डिस्टेंस यहां पे हो गया। द हाइट ऑफ अ पिलर मस्ट बी रेज फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। अब देखो, ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये पूरा का पूरा 45 डिग्री हो गया। तुम्हारे से ये पूछा है, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पूछा था, द हाइट ऑफ द पिलर, ये पिलर पूछा है जो कि अनफिनिश्ड है पिलर, उसकी हाइट क्या होगी 30 डिग्री के हिसाब से। जब बड़ी लाइन 150 मीटर है तो छोटी लाइन कितनी हो जाएगी, 150 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, और बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से जब ये 45, ये 150 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 150। जब पूरी लाइन 150 है, छोटी लाइन 150 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 है, तो आप क्या करोगे, 150 माइनस 150 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 3 कॉमन ले लेना, तो आपका बन जाएगा 150 अंडर रूट 3 माइनस 1 कॉमन लेके, तो यहां पे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1। अब आप यहां पे अंडर रूट 3 की वैल्यू लगा देना, 50 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाई 0.732, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे जल्दी से कैलकुलेटर। तो ये रहा, हाँ ठीक है, आप करना क्या, 50 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई 0.732, इस क्वेश्चन का आंसर 63.39, मतलब 63.3 ये आ गया, 63.4 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे हिसाब से भी। और आप मेरे वाले मेथड लगाओगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ आप ये क्वेश्चन सारे सारे कर लोगे, अगर आप मेरे कंसेप्ट से छोटी लाइन वाले कंसेप्ट पे चलते हो तो। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे, क्वेश्चन पहले जो अभी हमने छोड़ा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टेंपल फ्रॉम द फुट एंड द फ्रॉम फुट एंड टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 मीटर हाई। आपको पता है बिल्डिंग 30 मीटर हाई है, बिल्डिंग छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, एक एंगल, एक टेंपल है और एक बिल्डिंग है। जब बिल्डिंग 30 मीटर हाई है, जब बिल्डिंग 30 मीटर हाई है, तो आपको ये बात पता लग रहा होगा बिल्डिंग छोटी है, कि ऑप्शन देख लो 40, 45, 43 और 50, तो मतलब ये वाली जो हाइट है वो है बड़ी, तो मतलब बिल्डिंग हो गई बड़ी, बिल्डिंग हो गई हमारी बड़ी, छोटी हो गई क्या, छोटी हो गई हमारा टेंपल हो गया, हमारे टेंपल की हाइट ऑफ टेंपल, ये हो गया टेंपल, सॉरी ये हो गया टेंपल की हमें हाइट निकालनी है, हमारे छोटे क्या हो गई, छोटी हो गई बिल्डिंग हो गई छोटी, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है 30 मीटर बिल्डिंग हाइट दे रखी है, और हमारे से जो भी ऑप्शन में पूछा गया है उसकी हाइट बड़ी है, तो मतलब जो भी पूछा गया ऑप्शन के अंदर वो टेंपल बड़ा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टेंपल, टेंपल के टॉप से फ्रॉम द फुट एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम अ फुट एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग के यहां से एंगल दे रखा है, बिल्डिंग के टॉप से हमारा एंगल दे रखा है फ्रॉम द फुट एंड द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो फुट पे दे रखा है वो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, टॉप से दे रखा है वो एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन में कंपैरिजन कर देना, अब हमारी फिगर बिल्कुल ठीक बनी है जब हमने यहाँ पे बिल्डिंग और टेंपल लगा लिया, पिछली बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे, अब क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फ्रॉम द फुट फुट से एंड टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई है, फ्रॉम द फुट काम गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टेम्पल, टेम्पल के टॉप पे फ्रॉम द फुट, फुट से एंड द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप से 30 मीटर हाई, जो 30 मीटर हाई है 60 डिग्री एंगल बनना है, 30 डिग्री एंगल बनना है, देन द हाइट ऑफ द टेम्पल इज, ये पूरी की पूरी हाइट निकालनी है टेम्पल की। आपको मैं एक बार बता चुका हूं, जब ये 30 मीटर है
तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ये भी 30 मीटर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे सर हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, एक कंसेप्ट ऐसा है जो राम बाण तरीका है, जो इस क्वेश्चन के अंदर 100% एप्लीकेबल होगा। वो क्वेश्चन क्या होगा दोबारा समझते हैं एक बार। इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, कैसे निकालना था, आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के क्वेश्चन नहीं होगा। देखो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, ये था बिल्डिंग, ये था हमारा टेंपल, यहाँ से इसके टॉप से और इसके फुट से एक यहाँ पे लाइन जा रही है, तो ये हो गया इक्वल, ये हो गया इक्वल, हमें दे रखा है ये सिर्फ 30, ये 30 हो गया, तो ये 30 हो गया। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, जो बॉटम जा रहा है 60 डिग्री एंगल है, टॉप से जा रहा है 30 डिग्री एंगल है। अगर मैं इसको अंडर रूट 3x ले लूं, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको अंडर रूट 3x ले लूं, तो ये हो जाएगा x सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 30 डिग्री के साथ वाली लाइन जब अंडर रूट 3x है, छोटी लाइन 60 डिग्री के साथ वाली लाइन हो जाएगी यहां से यहां तक की अंडर रूट 3x डिवाइड बाय अंडर रूट 3, तो यहां से यहां तक की x हो जाएगी। अब जब ये अंडर रूट 3x है, तो ये भी तो अंडर रूट 3x हो जाएगा। जब ये अंडर रूट 3x है, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन अंडर रूट 3x बड़ी लाइन कितनी, जो कि 30 डिग्री के साथ बन रहा है एंगल, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3, तो मतलब बन जाएगा 3x। एक बार मैं लाइन ले रहा हूं 3x इज इक्वल टू, एक बार लाइन की है इक्वल है x प्लस 30 के। जब मैंने ये वाले ट्रायंगल से लगाया छोटी लाइन बड़ी लाइन, तो ये अंडर रूट 3 मैंने x अपने आप मान लिया, क्योंकि जब मैं इसको अंडर रूट 3x मान लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली x आ जाएगा, ये अंडर रूट 3x हो जाएगा, तो ये भी अंडर रूट 3x हो जाएगा। तो जब 60 डिग्री के साथ वाली लाइन छोटी लाइन अंडर रूट 3x हो जाएगी, तो बड़ी लाइन हो जाएगी 3x, क्योंकि अंडर रूट 3x मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x। जब ये 3x इक्वल टू x प्लस 30 के इक्वल है, हम इसको कंपेयर कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15, अब x 15 के इक्वल आ गया, तब यहाँ आ गया 15, ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 30 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 15 आ गया, तो 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। एक भी क्वेश्चन के अंदर टी रेशो नहीं लगाया। आई होप आपको सभी स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये वाले क्वेश्चन के अंदर भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा, फिगर बना के दिखाया था मैं आपको, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पिलर, पिलर के टॉप से और उसके फुट से दो एंगल बन रहे हैं, जो कि 20 मीटर हाई है, एक एंगल ऑफ 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री ज्यादा मुंह खुल रहा है, एक एंगल 30 डिग्री इसका कम मुंह खुल रहा है, हमारे से ये पूछा है, ये भी 20 हो जाएगा। अगर मैं इसको अंडर रूट 3x लेता हूं, तो ये x हो जाएगा, ये भी अंडर रूट 3x हो जाएगा, ये अंडर रूट 3x है, तो ये हो जाएगा 3x, तब 3x इज इक्वल टू x प्लस 20 है, तो 2x इज इक्वल टू 20 है, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया, टोटल हाइट 10 प्लस 20 30 आ गई। इस क्वेश्चन को मैंने 10 सेकंड के अंदर कर दिया, फिगर भी बना ली और साथ में क्वेश्चन भी कर दिया। ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट क्लियर होंगे। इतनी बड़ी वीडियो के बाद, इतनी बड़ी लाइव क्लास के बाद आपके कंसेप्ट मेरे ख्याल से 100% क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो तब होंगे, बार बार एक बार बोलता हूँ, जब आप छोटी लाइन बड़ी लाइन वाले कंसेप्ट अच्छे समझ पाओगे। कल की क्लास जो होगी, कल सुबह क्लास होगी, जल्दी आपकी मैं शेड्यूल कर दूंगा क्लास। हमने ब्रोकन ट्री के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए, टू पिलर के बेस पे क्वेश्चंस कर लिए, एरोप्लेन के बेस पे क्वेश्चन नहीं करे। कल मैं खत्म करा दूंगा आपको, एरोप्लेन के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं 100% क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद कल शाम को हम क्लास ले लेंगे, जिसको मेंस की क्लास है। मेंस की क्लास में 2010 से लेकर 2019 तक के 100% क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, 50 क्वेश्चन कराऊंगा लमसम इसी के बेस पर। इसके बेस पर मैं आपको पहले से ही 70-80 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 80+50 130 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा हाइड्रन डिस्टेंस चैप्टर के अंदर ही, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बचेगा इसके अंदर। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले आपको ये वाला क्लियर होना चाहिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा सभी कंसेप्ट के बिहाफ पे ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल मिलेंगे, आपको मैं टाइम शेयर कर दूंगा। बाय बाय, सी यू, टाटा, कल मिलते हैं, टाइम पे आना जरूर, बाय।